जबकि वो दिल से चाहती है कि अपना समय दे। तो इस बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ी बोली मतभेद होती रहती है, पर इतनी भी दोस्ती उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो छोटी सी बात को लेकर वो एक दोनों से ऊपर गुस्सा नहीं होता है। पर एक बार की बात है, गिल्ली रिया और गिल्ली की एक दोस्त बिन्नी और रिया के एक दोस्त किल्ली, ये चारों मिलकर स्पिरिट कॉल करते हैं। जबकि बच्चे बच्चे हैं उन लोग भी, और स्पिरिट कॉल करने का जरिए सोचते हैं और वो स्पिरिट कॉल में स्पिरिट को बुलाते हैं। रिया के घर में ये कार्य किया जाता है जबकि उसके घर में कोई नहीं है। सारे दोस्त मिलकर बैठे हैं पास में और सारे दोस्त हैं वहाँ पर, और वो मिलकर स्पिरिट कॉल किए। वहाँ पे एक गलती हो जाती है, स्पिरिट आ तो जाती है पर वो वापस नहीं जा पाती। वहाँ पे कुछ गलती होती है किसी से कि सब पढ़े लिखे हैं, सब इंग्लिश बोलना जानता है प्रॉपर, पर वहाँ पे गिल्ली को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो कोई मंत्र था जो इंग्लिश में बोलना था और बाकी सब सही बोल रहे थे पर गिल्ली से सही बोला नहीं जा रहा था। तो सब तीनों समझ गए थे कि गिल्ली से कुछ ना कुछ गलती हो रही है। सबने कोशिश किया उसको समझाने का कि ऐसा करके बोलना है, पर वो नहीं समझ पाई क्योंकि उसको नहीं आता, उसकी गलती नहीं है, उसको नहीं आता वो चीज़ बोलना। किसी ने वो चीज़ नहीं समझा कि उसको नहीं आता, वो नहीं बोल पाती। और यहाँ पे रिया से गलती होती और वो उस डर से कि वो स्पिरिट वापस नहीं जा रही है, ये डर से वो लेके डांट देती है गिल्ली को, बहुत से डांट देती है। और गिल्ली को वो चीज़ बहुत बुरा लगता है कि मुझे रिया ने पहली बार डांटा, और वो रिया ने उस वजह से डांटा क्योंकि उसको डर था कि अगर घर से स्पिरिट वापस नहीं जाएगा तो घर वाले आने वाले हैं, क्या होगा, कैसा माहौल होगा। एक तो घर में नहीं है, एक डर है उसको कि घर में कोई नहीं है, वो चारों दोस्त हैं और उन्होंने फिर स्पिरिट कॉल की कर रखा है। तो इस डर के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा कुछ कुछ गलत बोल देती है। फिर लास्टली उस स्पिरिट को जैसे तैसे करके वो घर से भगाते हैं। और यहाँ पे रिया और गिल्ली के बीच में दोस्ती में नोकझोंक हो जाती है, उन दोनों की दोस्ती में खटास आती है। जब घर वाले आ चुके हैं, घर वाले को पता चल चुका है कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, उस वजह से डांट पड़ती है सबको बहुत ज़्यादा, सब बहुत गुस्सा करते हैं घर वाले। और रिया के घर में जब ये चीज़ हो रहा है तो रिया को सबसे ज़्यादा डांट पड़ता है, वो घर वाले से डांट खाती है, सभी के घर वाले से डांट खाती है। और वो चीज़ बुरा लगता है रिया को बहुत, और वो जाकर गिल्ली से बोलती है कि तेरे वजह से अगर तूने सही टाइम में सही वक्त में वो शब्द कह दिए होते हैं तो घर वाले आते ही नहीं और घर वाले को ये चीज़ पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे वो दोनों के बीच में पहली बार एक बहुत बड़ा लड़ाई होता है जो कि दोनों के बीच में एक इंडिफरेंस ले आता है। और अब ये लड़ाई के बाद कुछ दिन तक वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। रिया के दोस्त अब अलग हो चुके थे, वो बाकी दोस्तों के साथ कॉलेज और उनके स्टूडेंट्स उनके साथ बिजी है। यहाँ गिल्ली अपने मेहंदी सिलाई और बिन्नी के साथ बिजी है, वो अपने एक नई दोस्त बना ली है। कहीं ना कहीं दोनों को बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी दोस्ती इतनी भी कच्ची नहीं थी कि छोटे से झगड़े में ख़त्म हो जाए। रिया को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसको डांटना नहीं चाहिए था, और बिन्नी को बुरा लगा कि उसने रिया की सिचुएशन समझी नहीं। एक दिन घर से बाहर जैसे ही वो पहली बार एक दूसरे से मिले थे वैसे ही वो दोनों बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे हैं पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत समय तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करके चुपचाप हैं। और फिर जाती है रिया और कहती है गिल्ली से, आई एम सॉरी यार, माफ़ कर दे, मुझे तेरे से ऐसी तरह से बात नहीं करना चाहिए था, चाहे जितने भी गुस्सा हो डर हो पर मुझे तेरे से बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। और उस समय गिल्ली को भी अपनी गलती महसूस होती और वो कहती है कि सॉरी यार, मुझे तेरा सिचुएशन समझना चाहिए कि तू घर से डांट खा चुकी है, तू सभी के घर वालों से डांट खा चुकी है, तो क्या हो गया, तू मेरी फ्रेंड है, तू मुझे तो कुछ बोल ही सकती है। और वो चीज़ वो समझती है और दोनों के बीच में जो दोस्ती होती है वो फिर से सही हो जाती है, वो दोनों की जो दोस्ती है फिर से अच्छी हो जाती है और वो दोनों अपने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों का कॉलेज ख़त्म होता है, अब उस रिया का कॉलेज ख़त्म होता है इस तरह से,
और जो बिन्नी होती है गिल्ली होती है, वो अब बिन्नी से भी दोस्ती अच्छी बन गई है। कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज फ्रेंड अलग हो गए हैं। अब प्रिया को गिल्ली की उतनी ही जरूरत है जितना उसके पहले था। पर अब गिल्ली की दोस्ती जब बिन्नी से हो गई है तो उसकी दोस्ती एक इंसान से अच्छे से हो सकती है। उसका यही मेंटेलिटी है, वो एक ही इंसान से अच्छे से दोस्ती कर सकती है जो उसने बिन्नी के साथ अब तक कर लिया है। अब बुरा लगता है रिया को क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास वही दोस्त है जो पहले थी। अब वो अकेली रहती है, वो घर में चुपचाप रहती है, अपना काम से काम मतलब रखती है। क्योंकि पहले जब गिल्ली आती थी उसके पास बैठती थी तो उसे काम करना उसको पता नहीं चलता था। वो हर समय उसके साथ बात करती थी, बात करते करते उसका सारा काम खत्म हो जाता था, उसको कभी पता नहीं चलता था। पर आज जब उसके साथ उसके दोस्त नहीं है तो अकेले बैठी है, अकेले अपना काम कर रही है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। कुछ कुछ समय वो जाती है गिल्ली को बुला के लाती है, गिल्ली कुछ समय बैठती है, पर बिन्नी उसको बुलाकर फिर उसके पास ले जाती है। अब गिल्ली जो है बिन्नी के घर जाती है, उसके पास समय बिताती है, उससे बात करती है, और वो चीज़ रिया को बहुत बुरा लगता है। अब उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, वो अकेले ही समय आधा भी समय बिताती थी, उसको अकेला अकेला लगता है। तब उसके पास जो और एक फ्रेंड होती है किल्ली करके, उससे अच्छी दोस्ती होती है उसका। और यहाँ पे किल्ली, रिया और बिन्नी चारों दोस्त बन जाते हैं, और वो चारों दोस्त अब बहुत अच्छे से रहते हैं। पर हाँ, दोस्ती जो रिया और गिल्ली की थी वो दोस्ती अब नहीं है जो पहले थी। अब रिया को उसके लिए उतने ही फीलिंग्स है, पर शायद गिल्ली को वो फीलिंग्स बहुत कम गई है, वो उसके वो फीलिंग्स को समझ नहीं पाती है। फिर कुछ साल के बाद रिया की शादी हो जाती है, और हाँ गिल्ली अकेले रह जाती है। कुछ इनडिफरेंसेस होते हैं जिस वजह से रिया की जो शादी होती है उसका डिवोर्स हो जाता है। वो और अपने दोस्त से अलग हो जाती है, उसके साथ साथ उसके जो शादी होती है उससे भी डिवोर्स हो जाता है। और गिल्ली की सगाई होती किससे, और कुछ इस तरह से बातें होती कि उसकी सगाई भी टूट जाती है। रिया और गिल्ली अब एक साथ नहीं है, वो दोनों अब अलग अलग जगह में हैं, वो दोनों अब अलग अलग एरिया में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बहुत शायद सालों बाद मिलते हैं। पर हाँ, अब जब भी मिलते हैं उनकी वही दोस्ती पुरानी याद आती है जो उन्होंने पहली बार की थी। तो कहते हैं ना, जिंदगी में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए पर हमें हमारी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। तो गिल्ली की लाइफ में भी चाहे जितने प्रॉब्लम्स आए, रिया के लाइफ में भी चाहे अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए, वो अब भी चाहती है कि अपने दोस्त को वही सब बातें बताए। पर अब वो सब बातें नहीं बता पाती है क्योंकि अब उसके पास वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है, उसको अभी भी बताना चाहिए सारी बातें फोन करके अपने दोस्त को कि उसके साथ साथ क्या क्या हुआ है? पता नहीं, चाहती है शायद वो बताना पर वो बता नहीं पाती है। शायद गिल्ली भी चाहती है कि वो रिया को सारी बातें बताए पर वो भी बता नहीं पाती है। कुछ चीजें हैं जो दोनों के बीच में एक अलग लाती है, एक इनडिफरेंस अभी भी है हल्का सा, जो कि कब खत्म होगा अब समय ही बता सकता है। तो ये थी गिल्ली और रिया की एक फ्रेंडशिप की कहानी। आप सभी को ये कहानी आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज।